सेट वन क्वेश्चन नंबर सेवन, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से केवल एक सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू √7 + √3 / √7 - √3 और एक्स वाई इक्वल टू वन। तो x² - xy + y² + xy + xy² का मान कितना होगा निकालना है। यहाँ x का वैल्यू क्या है, √7 + √3 / √7 - √3। एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 1। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 1/x, यानी कि इसका उल्टा, ये ऊपर चला जाएगा 7 - √3 / 7 + √3, ये हो जाएगा आपका y। हम क्या करेंगे, x + y निकालेंगे। √7 + √3 / √7 - √3 + √7 - √3 / √7 + √3। एलसीएम लेंगे, √7 - √3 / √7 + √3 क्या हो जाएगा, √7 - √3 / √7 - √3, बचेगा क्या, √7 + √3। तो ये हो जाएगा √7 + √3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से क्या हो जाएगा, √7 - √3 का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a² + b²। नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर a² √3 का स्क्वायर - b² a² - b² ये क्या हुआ, 2। √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 जोड़ 3, नीचे हो जाएगा 7 - 3, 2 × 10, नीचे क्या आएगा, 4। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटे 5 बार में, 5। तो x + y का वैल्यू कितना मिला, 5। अब ये वैल्यू जिसका निकालना है उसको लिख लेते हैं। हमें वैल्यू निकालना है किसका, x² - xy + y² / x² + xy + y²। हम क्या करेंगे, अब x² y² को एक साथ कर देते हैं, x² + y² - xy, x² + y² + xy। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ a² b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो यहाँ हम इसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x + y² - 2xy - xy। नीचे क्या हो जाएगा, x + y² - 2xy + xy। अब जितने वैल्यू दिए हुए हैं उसको पुट कर देंगे तो x + y का वैल्यू कितना है, 5। ये हो जाएगा 5² - 2। xy का वैल्यू है 1, तो 2 हो जाएगा, ये -1। इस तरह ये हो जाएगा 5² - 2 + 1। 5 का स्क्वायर 25, 2 से 3, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -1। 3 घटाएंगे तो 22 और 1 घटाएंगे तो 24, काटेंगे 11 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/12। पहला का आंसर आ गया 11/12। अब बनाएं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए प्रोपोर्शन टू बी, बी प्रोपोर्शन टू सी हो तो AQ + BQ + CQ प्रोपोर्शन टू 3ABC होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ए प्रोपोर्शन टू बी, यानी कि क्या हो जाएगा, a = BK1 और उसी तरह बी प्रोपोर्शन टू सी, यानी कि b = हो जाएगा CK1। हम k लिख देते हैं, ठीक है, a = BK और b = CK। इसलिए a = b का वैल्यू पुट करेंगे यहां, तो क्या हो जाएगा, CK² हमें सिद्ध क्या करना है, AQ + BQ + CQ ABC। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, AQ + BQ + CQ नीचे लिख देंगे 3ABC। अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि बराबर के कांस्टेंट,
तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अब एल एच एस बनाएंगे। एल एच एस क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई 3ABC। अब वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू कितना है, सी के स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सी के स्क्वायर का क्यूब प्लस बी का वैल्यू है सी के, तो सी के का क्यूब, सी का वैल्यू कुछ नहीं है तो सी की क्यू लिख देते हैं। नीचे उसी तरह लिखेंगे, थ्री ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, बी का वैल्यू सी के और सी का वैल्यू सी। तो ऊपर क्या मिला, सी इसमें भी है, तो लिख देते हैं पहले सी क्यू के का पावर 6 प्लस सी क्यू के का पावर क्यू प्लस सी क्यू बाई 3 ये सी क्यू प्लस के क्यू। ऊपर सी क्यू कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा सी क्यू कॉमन लेने से, के का पावर 6 प्लस के का पावर क्यू प्लस 1, नीचे 3 सी का क्यू के क्यू, सी क्यू सी क्यू कट गया, क्या मिला के 6 प्लस के क्यू प्लस 1 बाई 3 के क्यू बराबर कॉन्स्टेंट। इसलिए हमको यही प्रूफ करना था, लिख देंगे इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्रोपोर्शन टू 3ABC। ये बना क्वेश्चन नंबर